शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से डॉक्टर काफिल खान के रिहाई के लिए सोमवार को राष्ट्रपति को हिंगनघाट तहसील द्वारा निवेदन सौंपा गया। प्रजातंत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ में आंदोलन करने का भारत के हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत संविधान के दायरे में रहकर NRCCAANPR के कानून के खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा खास तौर पर NRC के विरोध और आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों और छात्रों पर केसेस दायर करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस कानून का विरोध करने वाले डॉक्टर काफिल खान को झूठे केस में जेल में डाला गया है। इसके पहले भी गोरखपुर हादसे में भी डॉक्टर काफिल खान ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाया था, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से 70 बच्चों की मौत हो गई। उस समय भी डॉक्टर काफिल खान पर झूठा केस लगाकर जेल में डाला गया। बाद में उन्हें बाइज्जत रिहा किया गया। अभी भी उन्हें जानबूझकर परेशान करते हुए जेल में डाला गया है, जहां उनकी जान को खतरा है। इसी तरह से NRCCAA का विरोध करने वाले JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर झूठे केस दायर किए गए हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए फसाद के बाद भी पुलिस के द्वारा यही तरीका अपनाया जा रहा है। इसके विरोध में हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से 35 राज्य, 500 जिला और 4000 तहसीलों में माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम मान्य तहसीलदार के माध्यम से निवेदन दिए जा रहे हैं कि डॉक्टर कफील खान और JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और अन्य राज्यों में इसी तरह से चल रहे मुकदमे पीछे लिए जाए और डॉक्टर काफिल खान और तमाम छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए। इस तरह का निवेदन देते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष हाजी मिर्जा परवेज बेग, तालुका अध्यक्ष तालिफ शेख, शहर अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर, शब्बीर शेख, बहुजन क्रांति मोर्चा के इंजीनियर निखिल कांबड़े, मयूर पाटिल, गेमदेव मस्के, नम्रता नारांजे, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ गजानन माउस्कर, BMP गजानन वराडे, लक्ष्मीकांत जवादे, चंद्रहास कांबड़े, संजय डोंगरे इत्यादि सहयोगी इस संगठन में उपस्थित थे। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब के मार्गदर्शन में आज हमने हिंगनघाट के तहसील ऑफिस में निवेदन दिया है डॉक्टर कफील खान को रिहा और NRCCAANPR के लिए के विरोध में जो आंदोलन हुआ था वो कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे के तहत उनको तत्काल रिहा करें, जिनको अरेस्ट किया गया है। संयोजक मयूर पाटिल साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष गुड्डू भाई, मोहम्मद शाकिर भाई के मार्गदर्शन तत्व पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने पूरे देश भर में जो 36 जिले हैं, 4,500 तहसील है, पूरे तहसीलों में 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का जो ये निवेदन देने का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम जारी है। ये निवेदन देने का जो प्रोग्राम है वो जारी, ये जो निवेदन है राष्ट्रपति को जो दिया गया है वो डॉक्टर कफील खान, जो है डॉक्टर कफील खान ने जो सेवा दी है, एक डॉक्टर के नाम पर जो सेवा दी है और गोरखपुर में जो घटना घटित हुई थी, जो 70 बच्चे वहाँ पे मौत हो गई थी 70 बच्चों की, लेकिन वैसे परिस्थितियों में कई सैकड़ों बच्चों को उन्होंने बचाया है। जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, जहाँ जहाँ से उनको जमा वहाँ वहाँ से उन्होंने व्यवस्था की। उसी तरह से अभी अभी जो महामारी की जो हालात हुई थी उस हालातों में सेवा देने का काम, फ्री में सेवा देने का काम उन्होंने किया। ऐसे अच्छे डॉक्टर को आज योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने उनको रासुका के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है। साथ ही साथ NRCCA के विरोध में जिन्होंने आंदोलन किए, ऐसे आंदोलनकर्ताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जेल में डाला गया है। तो वो
जो जेल में डाला गया है इन लोगों को बाहर छोड़ा जाए, ऐसी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को माननीय तहसीलदार द्वारा निवेदन दिया गया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा के सदर मयूर पाटिल जी, साथ ही साथ तालिब शेख, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी के मस्के जी, साथ ही साथ बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और मौर्य क्रांति सेना, छत्रपति क्रांति सेना, ऐसी 50 से 60 संगठनाओं का इस राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संगठन को समर्थन है। हम आज बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जो निवेदन दिया गया है कि कपिल खान को रिहा करने के बारे में, जो कपिल खान है इन्होंने जो NRC NPR का विरोध किया था और इनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए सरकार ने, इसी वजह से उनको जेल में डाला गया है। उनको रिहा करने के लिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से जाहिर समर्थन है, इसीलिए हमने यहाँ पे निवेदन दिया है कि इनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए।